अगर आप देखेंगे अभी अगर हम फ़ोन से एक बर्गर ऑर्डर करेंगे ये 25 या 30 मिनट में पहुंच जाएगा। आप मुझसे शर्त लगाइए कि एम्बुलेंस को बुलाइए, 25 या 30 मिनट में वो एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ पाएगी। दैट मीन्स वो सिस्टम क्यों फेल है और प्राइवेट सिस्टम क्यों कामयाब है, जबकि गवर्नमेंट के पास 1,45,000 करोड़ का बजट है। आपने जो सर्वे किया, आप मुझे एक बात बताइए, क्या अल्ताफ साहब का नाम आ रहा है या जबरान साहब का नाम आ रहा है? आ रहा है ना नाम, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है और मैं हक पे लड़ता हूँ। जिब्रान डार इज़ नॉट फॉर सेल, ये मैं इन रीजनल पार्टीज़ को बता दूँ। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हो ताकि एक फेयर डिसीजन हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उसी तरीके से हम असेंबली में भी जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छे फैसले लेंगे, जहाँ पे एजुकेशन के बारे में फैसला लेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में लेंगे, हेल्थ के बारे में लेंगे, या हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में, बिकॉज वो बड़े परेशान हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड यूथ का कोई इस टाइम पे कोई समाधान नहीं करोगे तो मुझे लगता है ड्रग एडिक्शन कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और वहाँ से गवर्नमेंट के पास ड्रग एडिक्शन सेंटर्स भी बहुत कम है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मुझे लगता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि वो इलेक्शन जल्द से जल्द कराए, मार्च में कराए या अप्रैल में कराए, लेकिन कराए, क्योंकि उससे एक कॉम्पिटिटिव बेस बन जाएगी। और अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेट कराएंगे, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव, मुझे नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन पूरे जम्मू कश्मीर को चला पाएगी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में अगर इसका देखें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों का सपोर्ट रहता है, या जितने भी इलेक्शन हुए, लेकिन केजरीवाल की जो हुकूमत है वो टूटी नहीं। लेकिन अगर वैसे ही बात करें कश्मीर की, तो नई पार्टी है आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे कहाँ है आम आदमी पार्टी? क्या दिल्ली से जो जितने भी वहाँ पर केजरीवाल जितने वादे करते हैं, क्या ज़मीनी सतह पर आपको लगता है कि वैसे? देखिए, ना तो हमारे इरादे टूटेंगे, ना तो हम वैसी पार्टी है कि हम बिखर जाएंगे। हम एक ऐसी पार्टी है जो एक स्टेट से उठ के, एक दिल्ली यूटी से उठ के, हम पंजाब चले गए स्टेट में, उसके बाद गुजरात चले गए, गुजरात में भी हमने 5 सीटें जीती, और उसके बाद एमसीडी में भी हमने 134 सीटें जीती, और अब दिल्ली का जो कूड़ा करकट का जो रहा था वो भी अब साफ़ होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और अगर आप बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास एक विजन है, एक विजनरी लीडर है। हमें 4-5 चीज़ों से मतलब है जो हमें अपनी आवाम और यूथ के लिए चाहिए। देखिए, हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारी बहनों को फ्री ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमारी महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, कैमराज चाहिए, और जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, जैसे दिल्ली में आप देख रहे हो कितने सारे हॉस्पिटल, हर चौराहे पर एक हॉस्पिटल है, तो ये सारे यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पहले डिस्पेंसरीज होते थे जो आजकल उतनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक विल भी, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक होगी, तो एक गरीब आवाम को फ़ायदा होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, फ़ायदा तो सब लोगों को होगा, क्योंकि कश्मीर मंच तो ऐसे ही पाई कि कश्मीर मंच जाच खानदन को ज़्यादा पोस इस लागान ना छे टेस्टन पर, तो दवान पर पोस लागान, ये चीज़ कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें कम करनी है, मतलब एक तो शादी ब्याह पर इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो दवाइयों पे हम खर्चा करते हैं, टेस्टों पे करते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन देगी, फ्री फैसिलिटीज़ देगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखेंगे अभी अगर हम फ़ोन से एक बर्गर ऑर्डर करेंगे ये 25 या 30 मिनट में पहुँच जाएगा। आप मुझसे शर्त लगाइए कि एम्बुलेंस को बुलाइए, 25 या 30 मिनट में वो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आ पाएगी। दैट मीन्स वो सिस्टम क्यों फेल है और प्राइवेट सिस्टम क्यों कामयाब है, जबकि गवर्नमेंट के पास 1,45,000 करोड़ का बजट है। कहाँ गया ये पैसा? दिल्ली एक यूटी है, 3 करोड़ की आबादी है और 75 लाख उनका बजट है, और सीजीआई की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो घाटे में नहीं है, लेकिन कश्मीर की पॉपुलेशन 1,40,00,000, 1,45,00,000 है, और हमारा बजट 1,45,00,000 है, तो कहाँ गया ये पैसा? हमें सवाल तो पूछना है ना। तो इसी के लिए जब हम मैदान में आए हैं तो हम इनसे सवाल पूछेंगे और हमें जवाब चाहिए, और अगर ये जवाब देने के काबिल नहीं है तो आप देखिए आने वाले इंतखाब में अपने घरों में बैठेंगे और हम इनकी कुर्सियों पे बैठेंगे और इनके लिए अच्छा फैसला तय करेंगे। तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, जहाँ से आप लड़ने वाले यानी छानापुरा की बात करें, जब ज़मीनी सतह पर जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते, आपने डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया वहाँ पर, और लोग अभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है एक नई पार्टी है, क्या पता ये आगे जाके जो है बहुत अच्छा करे, तो इस सबको आप किस तरीके? आपने जो सर्वे किया, आप मुझे एक बात बताइए, क्या अल्ताफ साहब का नाम आ रहा है या जबरान साहब का नाम आ रहा है? आ रहा है ना नाम, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है और मैं हक पे लड़ता हूँ। जिब्रान डार इज़ नॉट फॉर सेल, ये मैं इन रीजनल पार्टीज़ को बता दूँ। जिब्रान डार इज़ एब्सोल्युटली विद द पीपल ऑफ कश्मीर, हक पे लड़ेगा, बिकने के लिए तैयार नहीं है, ना तो झुकने के लिए तैयार है। ये कई कोशिशें इन लोगों ने की मुझे खरीदने की, लेकिन खरीद नहीं पाएंगे ये, क्योंकि मेरी आवाम ने मुझ पर भरोसा जताया है। आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे कश्मीर के पॉलिटिकल स्पेस में, एक यंग लड़का जब पॉलिटिक्स में आता है, इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर कश्मीर कि
इस बंदे को पॉलिटिक्स में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, गाली गलौज बहुत होती है, बैकलैश होता है ना, सोसाइटी उसे बोलती है कि क्यों गए पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र हूँ अल्लाह का और शुक्र हूँ अपने लोगों का और जम्मू कश्मीर की आवाम का, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप उठा लो जबरान डार के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, बिकॉज हमने हक की बात की है, हमने अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की है, हमने ड्रग्स पे बात की है, हमने डाइवोर्सेस पे बात की है, क्यों हो रहे हैं, हमने हर एक ऐसे इशू पे बात की है जिससे हमारी आम जनता का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आने वाले वक्त में छानापुरा की आवाम बेहतर जानती है कि उसे वोट किसे करना है, वो किसे अपना बेटा समझती है, वो किसे अपना नेता समझती है। और इतना मैं बता दूँ आपके TSL के माध्यम से कि नेता तो मैं हूँ, लेकिन उन नेताओं के लिए जिनको नेतागिरी नहीं आती है, लेकिन बेटा मैं अपनी आवाम का हूँ, छानापुरा का हूँ, जम्मू कश्मीर का मैं बेटा हूँ, और बेटा अपनी माँ से बेवफाई कभी नहीं करता। शुक्रिया।